ओके विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडर गो एडिशन रिएक्शन अब आपको पहले यह पता होना चाहिए कि एडिशन रिएक्शन होती किसके साथ है ओके okay, तो एडिशन रिएक्शन के लिए जो आपको इम्पॉर्टेंट है वो है कि एडिशन रिएक्शन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड चाहिए मतलब उसमें एक तो डबल बॉन्ड चाहिए नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड चाहिए कैसा कंपाउंड चाहिए एडिशन रिएक्शन के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जरूरत पड़ती है फॉर दिस रिएक्शन क्या मतलब होता है अनसेचुरेटेड का दैट मीन्स ईधर देर शुड बी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड चाहिए एक तो डबल बॉन्ड चाहिए नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तब जाके एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है नहीं तो पॉसिबल नहीं है मतलब ये रिएक्शन किसके लिए नहीं है सैचुरेटेड वालों के लिए जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो चलो एक काम करते हैं सबको चेक करने के लिए बोला है ना तो एक सबको हम क्या करेंगे एक एक लाइन पे ले लेते हैं we'll take all of them on single 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 different line चलिए अभी इसके ऊपर कैसा डिस्कशन हम लोग कर पाएंगे हाँ ओके अरे वो उसके जैसा ही लिख रहा है एक मिनट आप ठीक है सो बेसिकली सी टू एथ सिक्स क्या ये uh, ये है ये कौन है भाई ये इथेन है ना दिस इज दिस इज इथेन मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड है तो ये होगा क्या एडिशन रिएक्शन नहीं होगा उसके ऊपर टॉप में हम लोग लिख देते हैं और एडिशन रिएक्शन सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर रिक्वाइर्ड है ना फॉर एडिशन रिएक्शन अनसेड कंपाउंड अब ये कौन है ये इथेन है, है तो यह किसमें आता है कौन से कैटेगरी में इथेन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सैचुरेटेड दिस इज इथेन सैचुरेटेड राइट हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या चाहिए हाइड्रोकार्बन चाहिए फॉर द रिएक्शन टू वर्क दिस इज इथेन सेचुरेटेड है तो पॉसिबल है क्या रिएक्शन नो रिएक्शन है ना इसमें तो नो no रिएक्शन मिलेगी आपको वट अबाउट दिस वन सी थ्री एच एट ये कौन है दिस इज प्रोपेन तो बिल्कुल नहीं सैचुरेटेड है ना नो रिएक्शन बाय हमको कैसे पता चल रहा है uh, कि ये है बोल के देखो कैसा है ना डबल बॉन्ड मतलब कौन है अल्कीन है और ट्रिपल बॉन्ड मतलब कौन होगा अल्काइन तो आपको अगर ये एच सिक्स मतलब कौन हो जाएगा इथेन ना तो ये तो अल्केन हो गया सेकंड वाला भी अल्केन है अब तीसरे वाले की बात करते हैं ये कौन है दिस इज प्रोपीन दिस इज प्रोपीन अनसेचुरेटेड यस होगा अंडरगोज अंडरगोज एडिशन रिएक्शन इसमें रिएक्शन होगा

ठीक है तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला क्या है एंड आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो तो सैचुरेटेड में रिएक्शन नहीं होगी अनसेचूरेटेड के लिए होगी